अस्सलामुअलैकुम। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च शुरू। पंजाब से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते बंद। लाहौर मैदान जंग बन गया। लाठीचार्ज और शेलिंग, मुतअद्दिद कारकुनान गिरफ्तार। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं, खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए दिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि इमरान खान ने वली इंटरचेंज पिशावर से लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया। लाहौर में पुलिस और पीटीआई कारकुनान में तसादुम। बत्ती चौक में पीटीआई की खातून रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी पर पुलिस का धावा। उनकी गाड़ी मेट्रो स्टेशन पर पुलिस रुकावटें तोड़कर निकल गई, जबकि वर्कर्स का पुलिस पर पथराव जारी है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया। लाहौर में बत्ती चौक पर पीटीआई कारकुनान ने रुकावटें हटा दी। पुलिस की शेलिंग। लाहौर में पुलिस और वकला में तसादुम। वकला ने जुबैर नियाजी को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया।